देवघाट येथे गोवर रुबेला लसीकरण जनजागृतीसाठी उर्दू शाळेच्या वतीने रॅली काढून जनजागृती करण्यात आली. सध्या मुस्लिम समाज माधवांमध्ये गोवर रुबेला लसीकरणासंदर्भात गैरसमज पसरला आहे. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी देवघाट येथील उर्दू जिल्हा परिषद मुलींच्या शाळेनं जनजागृतीपर रॅली काढून लसीकरण करण्याचं आवाहन केलं. 4 डिसेंबरला आरोग्य विभागाच्या वतीनं जिल्हा परिषद सभागृहात मुस्लिम समाज बांधवांची बैठक घेऊन त्यांना लसीकरण करण्यासाठी प्रेरित करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर देवघाट येथील उर्दू मुलींच्या शाळेनं हातात बॅनर घेऊन घोषणाबाजी करत ध्वनिक्षेपकाद्वारे लसीकरण करण्याचं आवाहन केलं. यावेळी मुख्याध्यापक शेख नईम, शेख रियाज अहमद, सय्यद कासिम, मोहम्मद रफी, शाहिद हुसेन, रईस अहमद, सय्यद अंजुम, अब्दुल्ला खान, शेख निसार हुसेन आदींची उपस्थिती होती. भारत सरकार की जानिब से गवर और रूबेला इन खतरनाक बीमारियों के लिए पूरे भारत में जो 9 माह तक 15 बरस के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसके ताल्लुक से मुस्लिम समाज में बहुत सारी गलतफहमियां थी. लोगों के दिलों में खौफ और डर था. उस खौफ को और डर को दूर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए तैयार करने के लिए जो है आज उर्दू गर्ल स्कूल देवलघाट की जानिब से पूरे गांव में एक जुलूस निकाला गया और बच्चों को और उनके वालिदैन को और सरपरस्तों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि भाई तमाम बच्चों को जो है अपने बच्चों को 9 माह तक 15 साल तक के बच्चों को तमाम बच्चों की वैक्सीन ली जाए ताकि उनको आगे अगली ज़िंदगी में रूबेला और गवर जैसी खतरनाक और मोहलिक बीमारी से बचाया जा सके. एक कौम के नाम संदेश देना चाहता हूँ. दरअसल पूरे महाराष्ट्र भर में गौर रूबेला का टीका इन दिनों में देना जारी है और बुल्ढाना ज़िले में भी शुरू है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ समाज कंटक लोग जो है मोबाइल के माध्यम से कुछ और तरीक़ों से एक गलत अफवाहें जो है फैलाने का काम कर रहे हैं. जैसा अगर ये टीका लिया जाए तो मौत हो जाती है, ये टीका लिया जाए तो औरत को मुस्तकबिल में बांझपन हो सकता है वगैरह वगैरह. और इस तरीके की जो अफवाहें फैलाने के बाद समाज के बच्चों में ख़ासतौर पे बड़ा डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका है. अभी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की इस दवाइयों में अगर कुछ खामी होती, गलती होती या अगरचे कुछ इसका नुकसान होता तो मुझे लगता है यकीनी तौर पे पूरे महाराष्ट्र में कम से कम मुस्लिम डॉक्टर जो इसके तदने हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक से एक तदने लोग हैं, तो वो सामने आते और बोलते कि भाई ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए और इंजेक्शन लेने से नुकसान होगा. लेकिन इस तरीके का एक भी तज्ञ, एक भी जो है इसका एक्सपर्ट हमारे सामने नहीं आया. इसका मतलब ये सिर्फ जाहिलों की सुनी सुनाई बातें हैं और उस पर ध्यान रखकर हमारे बच्चों को जो है इसके फायदे से वंचित किए जा रहा है. तो मेरी एक ही दरख्वास्त है तमाम से बच्चों से. कल सिविल सर्जन साहब, पंडित साहब, डॉक्टर पंडित साहब खुद आए थे. उन्होंने कहा कि मैं शासन की तरफ से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और आप चिंता ना करें. तो मुझे ये भी लगता है, मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कि हमारे मुस्लिम भाई बहनें हमारे बच्चों को ज़रूर बज़रूर ये टीका दें.